के जयंती के अवसर पर सभी समाज के लोगों को, विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई मीणा समाज के लोगों को एकत्रित किया, एक उत्सव ग्रुप में मनाया, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश और देश में जो आदिवासी समाज है, जो दलित समाज है, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके बढ़ोतरी के लिए जो संभव होगा वो हम सब साथी मिलकर करेंगे। समाज में एकजुटता बनी रहे, अमन चैन शांति बनी रहे, और समाज में जो सकारात्मक सोच है शिक्षा की, नौकरी की, जागरूकता की, उस सोच को हमको और व्यापक बनाना होगा। बड़ा चिंता का विषय है कि राजस्थान में जिस प्रकार हिंसक वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, अभी हाल ही में बलात्कार की बहुत घटनाएं हुई हैं और लूटपाट की घटना हो रही हैं, और बड़ा चिंता का विषय है कि दिल्ली जयपुर राजस्थान के बॉर्डर पर जहां पर आतंकियों के भी पैर पसरने का सूचना मिली है, बड़ा चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार बहुत गंभीरता से लॉ एंड ऑर्डर को और तमाम जो घटनाएँ हुई हैं उस पर कठोर कदम उठाकर लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का काम करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएँ प्रदेश में ना हों, क्योंकि ये मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और नौजवानों के साथ, खासकर बच्चियों के साथ जो लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, वो दिल दहलाने वाली हैं। इस घटनाओं को तुरंत रोकना पड़ेगा, सरकार को और संभव कदम उठाना चाहिए। मैंने बोल दिया उसमें काले झंडों के साथ उदयपुर में प्रभारी जी का स्वागत किया है, उसको किस तरह से देखते हैं सचिन पायलट? उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी मेरे साथ होता है तो सचिन पायलट उसके जिम्मेदार है। आपकी विधानसभा में भाजपा के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल कहते हैं कि सचिन पायलट का दो खत्म हो चुका है और वो बात नहीं है सचिन पायलट। देखिए, मैं तो भविष्य में क्या होता है उसका जनता तय करेगी, प्रदेश में उपचुनाव भी होंगे। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हम सब लोग जो मुझको जानते हैं, हमारी राजनीति को जानते हैं, हमने हमेशा मर्यादा और संयम, इनकी सीमाओं को कभी पार नहीं किया है। और हमारे बड़े से बड़े विरोधी भी इस बात को कहेंगे कि राजनीति मुद्दों की हों, सिद्धांत की हों, और हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान की जो पुरानी परंपरा है, यहाँ पर अतिथि देवो भव, यहाँ जो भी आएगा उसका स्वागत है, अपनी बात को रखें, पूरा अधिकार है, बात बोलनी भी चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा संयमित और मर्यादापूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, हमेशा से, और आगे भी करता रहूँगा। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है, उसको लेकर कांग्रेस की तरह की रणनीति? हमारे तमाम नेता तैयारी कर चुके हैं, कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ता नेता एकजुट हैं, और मुझे लगता है कि जो परिणाम लोकसभा में आए हैं उसको देखकर अब हवा कांग्रेस की आने वाली है और भाजपा का जाना तय है। 6 की 6 सीटों पर हम लोग जीत कर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देवेंद्र यादव को सांदिल रिमांड पर आगे बढ़ा दिया है, उनका रिमांड कश्मीर में जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उसको लेकर कुछ सवाल कर रहे हैं। तो गठबंधन हम लोगों ने किया है जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए किया है, वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, वहाँ पर जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, विकास में बाधा बन रही थी, केंद्र सरकार दिल्ली से वहाँ शासन कर रहा था, तो वहाँ लोगों को जमहूरियत में विश्वास हो, हमने गठबंधन किया है। गठबंधन हम लोगों ने किया है इंडिया अलायंस का, कोई नया गठबंधन नहीं है। इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा से पहले हुआ था, हमारा लोकसभा में ही था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब गठबंधन किया था पीडीपी के साथ, सरकार में शामिल रहे थे, बाद में उनको जेल में बंद किया था, तो वो उनकी कथनी करने में बहुत फर्क है। भाजपा बोलती कुछ है, करती कुछ है, जनता सब समझ चुकी है। देवेंद्र यादव से मिला था जेल के अंदर, और उन लोगों ने, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। उनको साजिशपूर्ण तरीके से जानबूझ के फंसाने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि देवेंद्र यादव मुखर होकर सरकार को चुनौती देते थे, उनको जानबूझ के अलग अलग किस्मों में फंसाया जा रहा है, और जनता षड्यंत्र का पर्दा साफ करेगी।